महाराष्ट्र पोलिसांनी जो शस्त्र साठा जप्त केलेला आहे त्याच्यामध्ये AK-47 च्या 5 रायफल्स, AK विथ UBGL अटॅचमेंट, SLR 9, इन्सास 1, 303 चे 3, 12 बोरचे 9, पिस्टल 1, टोटल 29 वेपन्स त्याच्यामध्ये हस्तगत करण्यात आलेले आहेत। आता हे वेगवेगळ्या पदावर काम करणारे लोक होते, त्यांची जी इंटरनल जी हायरार्की असते त्या इंटरनल हायरार्की मध्ये हे लोक काम करत होते। मिलिंद तेलतुंबडे हे त्यांच्या सेंट्रल कमिटीचा मेंबर होता। निश्चितच महाराष्ट्र पोलिसांनी ही केलेली, महाराष्ट्रातली तर आहे परंतु कदाचित देशामधली सुद्धा ही मोठी कारवाई असू शकते, आणि इतकं मोठं यश महाराष्ट्र पोलिसांना मिळालं, मला खरंच त्या पोलिसांचं कौतुक करावं वाटतं। सर हिंदी में जानना चाहेंगे किस तरह की कार्रवाई रही है, कितनी बॉडीज रिकवर की गई हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मिलिंद तेलतुंबडे जो उनका कमांडर था वो डेथ हुआ है क्या, उसकी कन्फर्मेशन मिली है सर? कल जो गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ जो एक एनकाउंटर हुआ उसमें कम से कम 26 नक्सलाइट्स मारे गए हुए, उसमें 20 पुरुष है, 6 महिलाएं हैं, और ये गढ़चिरौली पुलिस ने कंफर्म किया है अभी जिसमें मिलिंद तेलतुंबडे भी है। सर ये ऑपरेशन कितने बजे शुरू हुआ था और खत्म होते होते कितना वक्त हो गया, कितनी टुकड़ियां लगी थी पुलिस की इसमें कुछ नहीं? टुकड़ियां तो स्प्रेड रहती है, ये ऑपरेशन सुबह 6 बजे शुरू हुआ था और ये दोपहर को 4 बजे तक शुरू रहा। सर अभी जो ऑन ग्राउंड है उसका किस तरह से मुआयना किया जा रहा है, क्या एक्स्ट्रा फोर्सेस वहां पे लाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से मिलिंद तेलतुंबडे को मारा गया है तो सिचुएशन खराब होने की संभावना है उस एरिया में, किस तरह से सिक्योरिटी बीफअप की गई है? नहीं उसमें जरूरत नहीं, वहां पे हमारा जो फोर्स है वो कॉम्पिटेंट फोर्स है और इनफ फोर्स है, उसमें अभी बाहर से कोई भेजने का आवश्यकता अभी तो नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर इस ऑपरेशन को देखते हैं? हाँ मैं बिल्कुल, महाराष्ट्र पुलिस हमेशा ऐसी कार्रवाई करती रहती है, बड़ी बड़ी कार्रवाई करती रहती है, और ये एकदम किसी को भी अभिमान लगे ऐसा एक कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस ने की है, और इसके लिए मैं महाराष्ट्र पुलिस का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सर एक ये भी जानकारी लेनी थी कि अभी जो सर्च ऑपरेशन है वो भी अभी जारी है कि जो 26 डेड बॉडीज रिकवर हुई है उसके बाद खत्म कर दिया गया है सर्च ऑपरेशन? नहीं सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, जो बॉडीज मिली उसमें से कुछ बॉडीज आइडेंटिफाई हो गई, अभी कुछ बॉडीज आइडेंटिफाई होनी है, और बाकी जो एरिया में जो सर्च ऑपरेशन है वो शायद शाम तक चालू रहेगा। आताची अमरावतीची परिस्थिती नियंत्रणामध्ये आलेली आहे, अमरावती शहरामध्ये कर्फ्यू लावण्यात आलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये पूर्ण नियंत्रण अमरावती शहरामध्ये आहे, परंतु आज भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं अमरावती ग्रामीणमध्ये बंदचा कॉल देण्यात आलेला आहे, तिथं सुद्धा परिस्थिती नियंत्रणात आहे आतापर्यंत आणि ती ठेवण्याचा प्रयत्न आहे। असं आहे की जे आवश्यक आहे ती सगळी कार्यवाही पोलीस विभागाचे प्रमुख सगळे जे असतात ते करत असतात, ते त्याच्यासाठी लागणारी जी आवश्यक जी कुमक आहे ज्या ज्या जिल्ह्यामध्ये म्हणजे जिथं जिथं आम्हाला असं वाटतं की काही घटना घडू शकते त्या जिल्ह्यापासून सगळ्या ठिकाणी, मग नांदेड असेल, मालेगाव असेल किंवा यवतमाळ असेल किंवा अमरावती असेल, या सगळ्या ठिकाणी आम्ही पूर्णपणानं
तैयारी आहोत्त। तर महत्वाचा प्रश्न, काही ठिकाणी गुन्हे सुद्धा दाखल झालेले होते, त्याच्यामध्ये अटकेची कारवाई किंवा ज्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला त्यांच्यावरती कठोर कारवाई केली जाईल। निश्चित प्रकारे जो जो याच्यामध्ये कोणी दोषी आहे त्या प्रत्येकावर त्या ठिकाणी कठोर कारवाई केली जाईल। सर हिंदी में जानना चाहेंगे सर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने जो तिरुपुरा जो इंसिडेंट हुआ था उसको फेक करके बताया गया है, कंफर्मेशन मिली है। महाराष्ट्र में जो अलग अलग वायलेंस हुए हैं अलग अलग शहरों में, उसको लेके कुछ अलग से जांच बिठाई जाएगी, जिस तरह से नाम आ रहा है रजा एकेडमी, क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी? इसमें जरूर हम जांच करेंगे कि जो त्रिपुरा में घटना हुई नहीं हुई और उसके कारण जो निषेध करने के लिए जो मोर्चे महाराष्ट्र में हुए और उसमें जो नुकसान हुआ इसकी जांच हम करेंगे और रिपोर्ट आने के बाद फिर आगे की बात बताऊंगा। स्पेसिफिकली रजा एकेडमी पे कार्रवाई होगी सर? ऐसे है कि आज मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन जांच करेंगे। रजा एकेडमी हो या और कोई भी संगठन हो, उनका उद्देश्य क्या था, क्यों मोर्चे निकाले गए, क्यों ये ऑर्गेनाइज किया गया, इसकी जांच हम करेंगे। अभी सिचुएशन कैसी है एट प्रेजेंट वहां पे सर? अभी अमरावती और आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट में सब सिचुएशन शांत है, कंट्रोल है। अभी रूरल अमरावती में भाजप ने आज बंद पुकारा है, इसमें रूरल अमरावती में भी एक परिस्थिति शांति बनाई रखी है और हमारी पुलिस कोशिश कर रही है शांति बनाए रखने के लिए। सर एक सवाल ये भी है, जिस तरह से इंसिडेंट्स हुए हैं वायलेंस के तिरुपुरा को लेके, ऐसे जो आपकी सहयोगी पार्टी है शिवसेना, उनकी तरफ से बयान आ रहा है कि महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी सरकार है उसको डी स्टेबिलाईज करने की कोशिश की जा रही है कुछ पक्षों की तरफ, क्या इसकी जांच अलग से की जाएगी? अभी जांच करेंगे तो इसमें सभी जांच करेंगे, जो जो भी कारण है उसके सामने आएंगे। सर अभी क्या स्टेटस है, कर्फ्यू लगाया गया है, कितने दिनों के लिए कर्फ्यू लगाया गया है, क्या जो है वहां पे जो नेट सर्विसेज हैं उनको अभी बंद रखा गया है, उसके बारे में जरा बताइए। 4 दिन के लिए कर्फ्यू लगाया गया है और नेट सर्विसेज भी बंद रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि कोई ऐसी बातें इधर उधर नहीं फैल जाए। तो सर सिर्फ अमरावती के लिए? सिर्फ अमरावती के लिए। सिर्फ अमरावती और नेट सर्विसेज भी 4 दिन? सिर्फ अमरावती के लिए। तर आपण पाहतोय आताची ही महत्त्वाची बातमी, अमरावती शहरामध्ये कर्फ्यू लावला असल्याचं गृहमंत्री म्हणाले, पोलिसांकडून आवश्यक ती कारवाई सुरू आहे। अमरावतीमधील परिस्थिती जी आहे ती सध्या नियंत्रणात आहे आणि आसपासच्या परिसरात कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आल्याची माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटलांनी दिली आहे। इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची, कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा सामटी।